Our honored ma'am, Srimati Krishna Yadav, yes. Environment with your clapping. Thank you wholeheartedly, sir. Your presence is gracious for Kushiyo Sanghe Lavi. शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की लहरी में दिल की बाजी रे शहनाई 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 रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे अभी आजा आजा टम टमता शमणाओ जे लवे ओ लवे जब ज्ञान इतना घमंडी हो जाए कि रो ना सके, इतना गंभीर हो जाए कि हंस ना सके, इतना आत्म केंद्रित हो जाए कि अपने सिवा किसी की चिंता ना कर सके, वह ज्ञान क्या अज्ञानता से भी गंभीर है। आज के दिन ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, 5 सितंबर 1888। वो एक उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति के बाद पुनः अपने कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति चुने गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इस बात की भी बहुत ही महत्ता है। इतिहास में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगी। राधाकृष्णन जी अपने दर्शन में, अपने फिलॉसफी में एक महत्वपूर्ण बात बताए कि जब हम मानने लगे कि मैं सब कुछ जान गया, तो समझिए कि आपने सीखना बंद कर दिया।
अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे सारी ज्ञान मुझे प्राप्त हो चुकी है, तो उस दिन समझिए कि आप अज्ञानता की ओर अग्रसर हो गए हैं। टीचर्स डे में इस महत्वपूर्ण और ऑस्पिशियस प्रोग्राम में उपस्थित सभी टीचर्स और शिष्य स्टूडेंट्स एक चीज़ का अनुभव और महसूस जरूर टीचर्स करते होंगे कि एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। टीचर हमेशा स्टूडेंट रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर दिन प्रत्येक दिन टीचर को यह एहसास होता है कि मुझे कुछ नया सिखाना है, कुछ नया बताना है, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ देने हैं, तो वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करता है। तो जब सीखने की कला और सीखने का एहसास उसके मन में है तो कभी भी पूर्णतः टीचर नहीं। डिजिटलीकरण उसका भी किया जाना आवश्यक है। जैसे एक एग्जांपल है, अगर हमारा मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे इंडिया में मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, लाल किला है, कई टेम्पल्स हैं, कई एंशियंट और आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स हैं, उन सारे चीज़ों को भी डिजिटल तरीके से जोड़कर ही आज के देश में हम उसको अपडेट कर सकते हैं, करना ही आवश्यक है। एक लाइन में डिजिटल इंडिया अर्थात भौतिक संपदा को बौद्धिक संपदा से जोड़ना। कई सारे आइडियाज़, एक वर्ड है हमारे लाइफ में आता है कि हम एक आइडिया मिला है या आइडिया देना चाहता हूँ। आइडिया कभी भी बड़ा नहीं होता, आइडिया हमेशा छोटा। एक जिस प्रकार से एक बड़ी मशीनरी है उसमें एक कील अगर नहीं रहे तो मशीन या तो डिफंक्ट हो जाती है या उसका प्रोडक्शन या फंक्शन सही से नहीं हो पाता है। तो वही आइडिया हमारे जीवन में एक काम करता है एक मशीन के कील की तरह। कील छोटी सी होती है लेकिन एक बड़ी मशीन को चलाने में और उसे संजो कर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस डिजिटल इंडिया में भी एक आइडिया है, उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमारा INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है वो स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका अलंकरण 2 दिन पहले प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। स्वदेशी हम लोग पहले भी बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन 75% INS विक्रांत में भारतीय वस्तुओं का उपयोग किया गया है जिसमें से वहाँ का लगा हुआ है और अन्य लॉ संयंत्र जहाँ है वहाँ का भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। 20-25% जो सामान है वो लगे हुए हैं, कहीं बाहर से फॉरेन से आए हुए हैं। तो इन सारे का एक ही संदेश है कि कोई भी काम हम लोग कभी भी कर सकते हैं। नवाचार हमेशा हर दिन होता है, इनोवेशन हर दिन हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, बस सीखने की कला को मंद ना पड़ने दें, सीखने की कला को छोड़े नहीं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों का भी महत्वपूर्ण समय है, आपके टीचर्स जो आप लोगों की को नई दुनिया में ले जाने के लिए हमेशा तत्पर है, नई शिक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर है, इनोवेट आइडियाज़ लाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप लोग इनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आप अपने कर्म के प्रति विश्वस्त रहें, कर्म पर भरोसा करें और कर्म को ही साथ लेकर चलें। प्रेम करो तो कर्म से और प्रेम करें तो अपने कर्तव्यों से। इन्हीं शब्दों